इम्पोर्टेंट है। आजकल कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी होनी चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। तो सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। महाभारत और गीता रामायण ये सब बच्चों को स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता। सभी बस सभी को एकदम अनिवार्य किया गया सभी के बारे में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने आधिकारिक आवास पर 10 खास बच्चों से बातचीत की। राजधानी लखनऊ के 10 मेधावी छात्रों से मिलने पहुंचे सीएम योगी ने यहां पर तमाम चर्चाएं की। इन स्टूडेंट्स के साथ उनके माँ बाप और स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। सीएम ने इन सबसे खास बातचीत की और इनकी राय जानी। इस पूरी बातचीत के दौरान सीएम योगी ने ना सिर्फ बच्चों को अपनी दिल की बात कहने का मौका दिया बल्कि मुस्कुराते हुए उनके हर उस सवाल का जवाब दिया जिसकी जिज्ञासा बच्चों के मन में थी। आइए सुनते हैं राजधानी लखनऊ में नन्हे बच्चों ने सीएम योगी से क्या कहा और योगी ने इसका किस तरह से जवाब दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला, हाँ बोलो। जैसा कि अक्षर ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है तो हमें उससे मतलब इंग्लिश से ज्यादा हिंदी को महत्व देना चाहिए। आजकल ज्यादा से ज्यादा टीचर बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश ज्यादा पढ़ी होनी चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। तो सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सर और लड़कियों के लिए आपने इतनी सारी योजनाएं निकाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ योजना के बारे में बताएंगे। सर आपने बहुत सारी निकाली है, उससे मतलब लड़कियों का भी फायदा हुआ है। पहले इतना मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे भी काफी मतलब समाज पे उसका असर पड़ा है। आजकल की लड़कियां इतना पीछे नहीं रहती है। देखिए उसमें बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बेटी के जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई। Yes, sir. उसके लिए भी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना है। इसी प्रकार से बेटी जब शादी विवाह के योग्य हो जाए, माँ बाप की स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। स्कॉलरशिप, किसान है किसान के परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, कमी योजनाओं की नहीं है, योजनाओं की जानकारी होना और योजनाओं की जानकारी के अनुसार समय पे उस पर आवेदन करना ये महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है। जहां तक हिंदी या इंग्लिश की बात की गई है, हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको नियमित अभ्यास का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। हम लोगों ने एक वैज्ञानिक सोच के साथ पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्यक्रम किया है। खासतौर पर वैज्ञानिक सोचिए कि जो अच्छा है, एनसीईआरटी ने मैथ्स है साइंस है कॉमर्स है अन्य विषयों को लेकर के जो अपने यहाँ शोध किए थे उसको हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और राज्य में की कि किसी भी बच्चे को बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो अपने अतीत के बारे में जानकारी रखता हो, अपने देश अपने काल और अपनी परिस्थितियों के साथ उनके साथ आगे बढ़ सके, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थानीय उन स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे, विभिन्न प्रकार के अभियान चले थे, उनसे जुड़े हुए जो नायक हैं उन राष्ट्र नायकों के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो सके, देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों के नेतृत्व में पूरा अभियान चला था उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन
योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके बारे में, या फिर हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन दैवीय शक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों, या फिर उसके बाद भी अन्य कुछ जो ऐसे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या रानी लक्ष्मी बाई है, या अन्य जो भी इस प्रकार के महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अलग अलग पाठ्यक्रम में हम लोगों ने तो बेसिक शिक्षा परिषद से इसको शुरू कर दिया है। हर यानी बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन महापुरुषों की जानकारी हम वहाँ पर दे सकें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी उनके लिए उनके पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें देने का प्रयास हुआ है, और इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए।